फेसबुक से पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने वाले फेसबुक के संस्थापक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग की जिंदगी में एक समय जब आया जब वो फेसबुक को बेचने वाले थे। जी हाँ, लेकिन इन बाबा के आशीर्वाद से उन्हें आज भी बहुत ज्यादा फायदा होता है और उनको उस समय ही अरबों का मालिक बना दिया था। बता दें आपको, मार्क जुकरबर्ग नैनीताल जिले के कैंचीधाम स्थित बाबा नीम करौली, उनको नीव करौली के नाम से भी जाना जाता है, उनके बहुत बड़े भक्त हैं। बल्कि कैंचीधाम से मिली प्रेरणा के बाद ही फेसबुक तरक्की की इस मंजिल तक पहुंचा है। 7-8 साल पहले स्वयं मार्क जुकरबर्ग ने कैंचीधाम पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद लिया था। बताते चले आपको, मार्क जुकरबर्ग और कैंचीधाम के बीच के संबंधों का खुलासा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलिकॉन वैली स्थित फेसबुक हेडक्वार्टर के दौरे के दौरान किया था। पीएम और जुकरबर्ग के बीच आध्यात्मिक वार्ता का दौर भी काफी लंबे समय तक चला था। इस बातचीत के दौरान फेसबुक के सीईओ ने पीएम मोदी से अपनी भारत में आध्यात्मिक यात्रा के बारे में जिक्र किया था। जुकरबर्ग ने कहा था कि फेसबुक अच्छी स्थिति में नहीं था और वो काफी ज्यादा कोशिश के बाद भी उनको निराशा ही हाथ लग रही थी और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार नहीं मिल रहा था। सूत्र बताते हैं कि मार्क उस समय बहुत ज्यादा निराश भी थे। हालात यहाँ तक आ पहुँची थी कि मार्क फेसबुक बेचने तक का मन बना चुके थे। तभी उनके गुरु और दिग्गज तकनीकी कंपनी एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब ने उनको भारत में जाकर एक मंदिर में कुछ वक्त रहकर आध्यात्म की शरण में जाने की सलाह दी थी। स्टीव से ही जुकरबर्ग को उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित कैंचीधाम आश्रम में आने की प्रेरणा मिली थी। उसके बाद मार्क जुकरबर्ग कैंचीधाम पहुंचे। जुकरबर्ग मानते हैं कि भारत में मिली आध्यात्मिक शांति के बाद उन्हें फेसबुक को एक नया मुकाम पर ले जाने की ऊर्जा मिली थी। वहीं बता दें आपको, मार्क जुकरबर्ग ने वर्ष 2004 में फेसबुक शुरू किया था। कैंची मंदिर के प्रबंधक विनोद जोशी बताते हैं कि वर्ष 2007-08 में मार्क जुकरबर्ग कैंची मंदिर आए थे और उन्होंने यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की थी। जोशी ने बताया कि जुकरबर्ग एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। स्टीव जॉब भी वर्ष 1974 में कैंचीधाम आए थे। जॉब के कहने पर ही मार्क ने वर्ष 2007-08 में कैंची मंदिर का रुख किया और तभी से वहाँ बाबा के वो भक्त बन गए। LD News Room से लकी की रिपोर्ट।